हेलो फ्रेंड्स, आज हम कर रहे हैं क्लास 10 से चैप्टर नंबर 9। लास्ट वीडियो में हमारे 12 क्वेश्चन हो चुके हैं। 13th क्वेश्चन हमारे पास, यहाँ पे एक लाइट हाउस दिया गया है। जो लाइट हाउस की जो हाइट है वो है 75 मीटर। यहाँ से टॉप से जब देखने पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहे हैं आपके पास, जैसे ये दो एंगल ऑफ डिप्रेशन, दो शिप यहाँ पे हैं, एक यहाँ पे है। जैसे एक यहाँ पे नाम मैंने जैसे रख दिया ए बी सी डी, यहाँ पे आपके पास डायग्राम बन गया। एंगल ऑफ डिप्रेशन के बाद यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन जो दिए गए हैं वो आपके पास है 30। तो ये आपके पास 30 है, तो ये एंगल भी आपका कितना होगा, 30 होगा। और ये आपके पास 45 है, तो ये एंगल भी आपके पास 45 होगा, अकॉर्डिंग टू एंगल ऑफ अल्टरनेट एंगल के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ। यहाँ पे पूछे गए इन दोनों की शिप के जो बीच की डिस्टेंस है वो क्या होगी। तो एक बार तो निकालेंगे बीसी से, यानी इस ट्रायंगल से, ट्रायंगल बीसीडी। यहां पे ट्रायंगल बीसीडी से हमारे पास आएगा बीसी अपॉन में सीडी, यानी कोट थीटा। बीसी हमें हमें निकालनी है, सीडी आपके पास 75, कोट 45। ये कोट 45, तो बी सी आपने निकालनी थी अपॉन में 75। कोट 45 की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी 1, तो बी सी की वैल्यू यहां से आपके पास आई 75। सेकंड हम ट्रायंगल लेते हैं ए सी डी, ट्रायंगल ए सी डी। यहां से हमारे पास ए सी अपॉन में सी डी इक्वल वही कोट थीटा। ए सी हमें निकालनी है, सी डी यहाँ पे 75, कोट एंगल दिया गया है 30। तो ए सी से हमारे पास 75, कोट 30 की वैल्यू होती है √3 अपॉन में रहेगा 5। तो ए सी यहाँ से आई आपके पास 75 √3। यहाँ पे पूछी गई है डिस्टेंस, दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस। तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस, यानी आपने ए बी निकालनी है। तो ए बी यहां पे रहेगी आपके पास ए सी माइनस बी सी, 75 √3 माइनस 75। 75 को करें कॉमन आउट, आपके पास आएगा √3 माइनस 1। ये दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस रहेगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। ये एक 1.2 मीटर हाइट की एक गर्ल से है, जो दो बैलून यहाँ पे हैं इनको देख रही है। तो यहाँ पे हमारे पास इस टाइप से एक पैरेलल लाइन लगाएंगे। ये आपके पास कंप्लीट है 88 पॉइंट, जो हाइट दी गई है वो है आपके पास 88.2। तो यहाँ तक की जो डिस्टेंस रहेगी वो 1.2, इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगी 87। ये भी 87। यहाँ पे एंगल जो दिए गए हैं वो एक है आपके पास 30 और एक एंगल दिया गया है 60। नाम रखे मैंने इसके ए बी सी डी ई। हमें यहाँ पे इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो निकालनी है, यानी सी डी हमें फाइंड आउट करनी है यहाँ पे। तो सबसे पहले मैंने ट्रायंगल ली ए सी बी। ए सी बी से ये 87 होगी, इसके पैरेलल है बिल्कुल। बी सी अपॉन में ए सी, बी सी अपॉन ए सी, ये आपके पास हुआ बी अपॉन में पी, यानी कोट 30 डिग्री, कोट सॉरी 60 डिग्री। तो बी सी यहाँ पे मैंने निकालनी है, ए सी आपके पास 87, कोट 60 होता है 1/√3। तो बी सी यहाँ से आपके पास आएगा 87 अपॉन में √3। अब दूसरी ट्रायंगल, यहाँ पे ट्रायंगल मैंने ली बी डी ई। तो यहाँ से मैंने निकाली बी डी, बी डी अपॉन बी डी, डी बी अपॉन में डी ई, ये भी आपके पास कोट, अब की बार एंगल रहेगा 30 डिग्री। ये आपके पास बी डी या डी बी आप जो भी है अपॉन में डी ई, यहाँ पे 87 दिया गया है, इक्वल रहेगा कोट 30। कोट 30 पे वैल्यू √3, यानी बी डी की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी 87 √3। हमें निकालनी है सी डी, सी डी कैसे आएगी, बी डी माइनस
बीसी। तो यहां से हमारे पास 87√3 माइनस 87 अपॉन में रूट थ्री, इसके अपॉन में कुछ नहीं वन, रूट थ्री रहेगा एलसीएम, रूट थ्री से करेंगे ये इन दोनों की मल्टीप्लाई, 3 3 7 जा 21, 3 8 जा 24 और 2 25, ये आपके पास आएगा 261 माइनस में ये आपका 87, यहाँ से माइनस किया 11 में से 7 गए 4, ये आपके पास बच गए यहाँ पे 5, 15 में से 8 गए 7, यहाँ से 1 अपॉन में रूट थ्री, रूट थ्री से करेंगे मल्टीप्लाई, रूट थ्री से डिवाइड, ये आपके पास आ जाएगा 174 मल्टीप्लाई रूट थ्री अपॉन में 3, 3 से कैंसिल आउट, 3 5 जा 15 बच गए 3 8, आपके पास आएगा 58√3। तो यहाँ पे जो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस रहेगी वो रहेगी 58√3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास, यहाँ पे कोई एक है आदमी, यहाँ से कोई गाड़ी आ रही है, कार है ये, यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन जब चेक किया तो यहाँ पे है आपके पास 30 डिग्री, तो ये जो एंगल दिया गया है 30 डिग्री, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन सेम यहाँ पे 30 रहेगा। कुछ टाइम के बाद फिर से चेक किया तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पे 30 की बजाय 60 हो जाता है, तो ये भी 60 हो जाता है। जो यहाँ से यहाँ तक आने में जो डिस्टेंस तो कवर की गई है वहाँ पे 6 सेकंड का टाइम लगा है, तो हमें ये बताना है कि यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा। ये हमारे पास ट्रायंगल बनानी, मैंने ए बी सी डी नाम रख दिए, ये डिस्टेंस मान ली मैंने जैसे एक्स, ये डिस्टेंस मान ली मैंने वाई, ये हाइट यहाँ पे गिवन नहीं है, ये आपकी हाइट मैंने मान ली एच, ये जो मैंने मान ली यहाँ पे लिख देता हूँ, लेट ए बी को एच माना है मैंने, बी सी को यहाँ पे वाई माना है और सी डी को एक्स माना है। तो ट्रायंगल ए बी सी से, ए बी सी से एच अपॉन में वाई आपका रहेगा 10 60, यानी एच अपॉन में जो वाई है वो 10 60 की वैल्यू होती है रूट थ्री अपॉन में वन, यानी एच रहेगा वाई रूट थ्री। एक बार ट्रायंगल दूसरी यूज करते हैं साथ साथ, ए बी डी, यहां से हमारे पास एच अपॉन में एक्स नहीं, अब की बार एक्स प्लस वाई कंप्लीट रहेगा आपके पास 10 30 डिग्री, तो एच अपॉन में एक्स प्लस वाई यहाँ पे वैल्यू रहेगी आपके पास 1/√3। एच जो डिस्टेंस है यहाँ पे एच आएगी एक्स प्लस में वाई अपॉन में रूट थ्री, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों में एच है इक्वल रख देंगे तो वाई रूट थ्री इक्वल होगा एक्स प्लस वाई अपॉन में रूट थ्री। इस रूट थ्री को यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लाई हो जाएगी, आपके पास यहाँ से आएगा 3y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, इस y को यहाँ पे लेके आएंगे तो 3y माइनस वाई इक्वल रहेगा x, तो 2y जो डिस्टेंस है वह इक्वल रहेगी x। यहाँ पे पूछा गया है कि ये डिस्टेंस 6 सेकंड में तैयार की गई है, मतलब तय की गई है, तो y डिस्टेंस कितने इस टाइम में सेकंड कवर होगी, तो यानी x यानी 2y डिस्टेंस कवर करने के लिए डिस्टेंस आपके पास है, यानी इफ डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर, इफ डिस्टेंस 2y एंड टाइम, यहां पे एक बार डिस्टेंस लिख देता हूं मैं, डिस्टेंस रहेगी आपके पास 2y, टाइम लिया है यहाँ पे, यानी एक्स यहाँ पे कवर की गई है, यानी ये 2y के इक्वल है, इसको मैंने 2y माने हैं, 2y डिस्टेंस में 6 सेकंड का टाइम लगा है, तो y डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, ये आपके पास 2y यानी y इसकी हाफ है, तो 6 का हम हाफ करेंगे, ये आपके पास 3 सेकंड, यानी y डिस्टेंस के लिए टाइम आपका रहेगा 3 सेकंड, 2y के लिए 6 है तो y इसका हाफ करेंगे, इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं, 2y जो है 6 सेकंड, दोनों को डिवाइड किया 2 से 2 2 से 2 2 से 3, यानी y डिस्टेंस कवर करने के लिए यहाँ पे टाइम लगेगा 3 सेकंड। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमें हाइट प्रूव करनी है कि जो एच मान लिया हमें ये 6 सेंटीमीटर है, यानी एच हमें 6 सेंटीमीटर प्रूव करनी है। जो डिस्टेंस दी गई है एक लाइन में, ये आपके पास है 4 मीटर और 9 मीटर, 9 है तो ये आपके पास बच जाएगी 5, कंप्लीट आपकी 9 हो जाएगी। ये एंगल जो दिए गए हैं, तो एक एंगल यहाँ पे आपका मान लेते हैं थीटा, दूसरा आपका रहेगा 90 माइनस थीटा। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन। ए बी यहाँ से निकाला है, ट्रायंगल ली मैंने ए बी सी, तो ए बी अपॉन में बी सी, एच अपॉन में 4, 10, 90 माइनस थीटा। ट्रायंगल सेकंड ली ए बी डी, ए बी डी यहाँ से ए बी अपॉन में बी डी, यहाँ से आपके पास आया 10 थीटा। ए बी आपके पास है एच अपॉन में बी डी, यहाँ पे है 9 इक्वल 10 थीटा। यहाँ से मैंने 10 90 माइनस थीटा जो होता है इसको लिख दिया कोट थीटा, तो यानी कोट थीटा की वैल्यू, कोट थीटा जो है इसकी वैल्यू है एच अपॉन में 4। कोट थीटा को लिख दिया मैंने 1/10 थीटा, 1/10 थीटा एच अपॉन में 4। यहाँ से 10 थीटा की वैल्यू है आपके पास एच अपॉन में 9, ये भी 10 थीटा, ये भी 10 थीटा वैल्यू रखेंगे। यहाँ पे मैंने रख दिया 10 थीटा की जगह 1 अपॉन में, 10 की जगह रखे मैंने एच अपॉन 9 इक्वल एच अपॉन में 4, ये 9 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे पलट जाएगी संख्या, तो 9 अपॉन में एच इक्वल h/4, क्रॉस मल्टीप्लाई एच स्क्वेयर इज इक्वल टू 36। एच करेंगे अंडर द रूट 36, हाइट यहाँ पे आपके पास आएगी ±6। हाइट जो होती है वो कभी नेगेटिव नहीं होती, तो वो आपकी मानी जाएगी 6 मीटर। लो जी, आपका क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट हुआ, इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट डे मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ। यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।